तो फिर से एक बार आप सभी को दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन। अभिनंदन। तो फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो आज हम इस भोपू को एक डीजल इंजन में साइलेंसर की जगह इसे सेट कर दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं साइलेंसर लगाने के बाद कितना लॉर्ड आवाज निकलता है। तो इस भोपू का काम है एक तरफ से कम आवाज लेना और दूसरी तरफ से बहुत ही लॉर्ड आवाज निकालना। तो इसके बाद डीजे से वीएस करके इस भोपू को दिखाएंगे किसका आवाज ज्यादा लॉर्ड है। तो चलिए सबसे पहले इस भोपू को साइलेंसर में सेट करते हैं। तो चलिए एक बार बिना भोपू के स्टार्ट करके दिखाते हैं कितना आवाज करता है। धीरे से हैंडल घुमाना है और क्लच को गिराना है। ये स्टार्ट हो चुका है। बिना साइलेंसर के काफी ज्यादा आवाज करता है। तो ये देखिए तो चलिए अब इसमें भोपू लगा के दिखाते हैं कितना आवाज करता है। तो ये बहुत ही आसानी से इसमें फिट हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आराम से फिट हो जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करके देखते हैं कितना आवाज करता है। तो ये भोपू काफी हीट हो चुका है, बहुत ही गर्म हो चुका है। तो चलिए अब इसे डीजे से वीएस करके दिखाते हैं किसमें सबसे ज्यादा आवाज है। तो चलिए दिखाते हैं इन दोनों को वीएस करके। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो और ये जो बगल वाला घंटा दिख रहा है इसे दबा दो। तो चलिए सबसे पहले जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डीजे को स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका आवाज काफी खतरनाक होने वाला है। ये तो फिर से एक बार डीजे स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए